पाकिस्तान में आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई को 116 सीटों पर जीत मिली। इमरान खान ने इस चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन सभी सीटों पर इमरान खान की जीत हुई, लेकिन अपने इस कदम से इमरान खान ने खुद के लिए मुसीबत पैदा कर। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इमरान खान को 4 सीटों से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिससे इनकी पार्टी की सीटें घटकर 112 रह जाएगी। सरकार बनाने के लिए पीटीआई को 137 सीटों के जादुई आंकड़े को छूना होगा, जिसके लिए इमरान खान को दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। इस बात की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है कि इमरान खान पाकिस्तान पीपल पार्टी या नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के साथ गठबंधन करेंगे। इसलिए संभावना है कि छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा स्थिति में अगर पीटीआई पीएमएलक्यू बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो उसके पास 124 सांसद हो जाएंगे। हालांकि ये भी सरकार बनाने के लिए जरूरी 137 सीटों के आंकड़े से कम होंगे। लेकिन अगर इमरान खान एमक्यूएम जीडीए और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला पाते तो ये 137 के आंकड़े को छू पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी 4 सीटों से इस्तीफा देने के बाद इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना होगा पाकिस्तान में आगे क्या होगा। पल पल की अपडेट लगातार हेडलाइंस इंडिया आपको देता रहेगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।